चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के रिव्यू में मैंने कहा कि यार एक जो टीम है जो डार्क हॉर्स बनेगी इस साल चैंपियंस लीग में वो होगी बार्सिलोना एंड आई एम स्टैंडिंग बाय इट बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो राइट ऑफ कर रहे हैं बार्सिलोना को है एक बार भी मैच नहीं देखा है वो हाइप हाइप में बस uh, नहीं यार बारसा नहीं जीतेगी बिकॉज ग्रुप ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट बट मेरी बात सुनना है यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि बारसा जाके चैंपियंस लीग जीतने वाली है बट एक बात तो है यार हम थकने नहीं वाले हैं हम रुकने नहीं वाले हैं और uh, कल का मैच जो विक्टोरिया पिल्ल के अगेंस्ट था एक की परफॉर्मेंस जहां पे हर एक कड़ी परफेक्ट रोल अपना प्ले कर रही है वो टू थ्री फाइव वो इनवर्टेड पिरामिड का रोल पे दो मिडफील्ड दो डिफेंडर्स तीन मिडफील्डर्स और ऊपर पांच फॉरवर्ड्स आपके घुसेड़े पड़े हुए हैं हाफ स्पेस में आपके मिडफील्डर्स ऑके पाए किए हुए हैं आपके विंगर्स है आपका नैरो वर्टिकल फनल डाउन फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं फायदा उससे क्या हो रहा है आपने विक्टोरिया पिल्जन को पिनबैक कर रखा हाँ सामने ठीक है विक्टोरिया पिल्जन ही है यार कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है हमने उनको ही हमने हमने ही यूरोप की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स नो डिसरिस्पेक्ट यार उनको हराया ठीक है बहुत बड़ा प्रोपागेंडा नहीं है बट देन एक्चुअली मैं मैच में हुआ क्या वॉट आर द थिंग्स दैट वेंट राइट या भी अगर रात में सोता होगा और अगर सपना देखता होगा कि अपनी टीम कैसे खेले तो वो इस हिसाब से खेलती होगी इस लेवल के कंट्रोल इस लेवल के स्वाव के साथ इस लेवल की इमाकुलेट फ्लूडिटी के साथ कि वहाँ पे अगर फ्रेंकी एक डीएम का रोल भी खेल रहा है तो अगर तो फ्रेंकी को सपोर्ट है पीछे खूंडे का पीछे क्रिश्चियनसन का और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस साल की बेस्ट साइनिंग बनेगा क्रिश्चियनसन लेवांडोस की बन रहा है वो तो गोल स्कोर कर रहा है यार वो तो होना था लेवांडोस की इज लेवांडोस की ही इज़ अ ब्लेसिंग टू अस ही इज़ अ ब्लेसिंग टू अस

One touch पे फरान उसको ले ऑफ कर रहा है बूट वो प्लेस कर दे रहा है अबे हराम <laughs> oh, ब्लेसिंग टू तो है, है, यार अब वो यहां पे है ही इज आर प्लेयर एंड वी आर रिंग हिम वी आर टोटली इंटरटेन बाई हिम भाई बथेरे ऑलरेडी मार चुका है अपने छह अपीयरेंस में फॉर ओवरटेकन करीम बेनजीमा इन द चैंपियंस लीग नंबर इज वेल मतलब कि 88 गोल्स पे थे करीम बेनजीमा एक गोल ज्यादा हो चुका है यहाँ पे लेवाडोस का शायद एटी हो चुका है ठीक है तो वो सब चीजें तो चलती रहती हैं बट देन भाई क्रिश्चियन येस yes. भाई बंदा जो कामनेस लाता है डिफेंस में जो लीडरशिप लाता है डिफेंस में जो वो बात करते रहता है अपने प्लेयर्स के साथ कि कितना ऊपर चढ़ना है किसको पास करना है एंड देन जो जिस हिसाब तो की वो ब्रेवनेस रखता है टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड एंड देन कैरी करने के बाद से ही हैज एन ओपन माइंड ही ही लुक्स एट द प्लेयर कौन अवेलेबल है उनको राइट पास चूज करना और सबसे अच्छी बात है हमारे डिफेंस की कि हमारे डिफेंस में तुम किसी को भी खिला दो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट द अदर गाय कैन प्रोवाइड अगर क्रिश्चियंसन है टीम में अलोंग विथ कूंडे जो कि लेफ्ट साइड सेंड बैक खेल रहा है तो क्रिश्चनसन को पता है कि इफ़ ही गोज फॉरवर्ड ही डजेंट हैव टू गो ऑल द वे उसको जाना है मिड में ही हैज टू पास ही एक्चुअली प्रोवाइड्स अ नंबर इन द मिड वो मिडफील्ड में जाके बॉल पास करके ही इज कमिंग बैक एंड उतनी देर में कूडे विजिलेंट है कुंडे देख रहे हैं हाँ हाँ को ठीक है क्रिश्चनसन बॉल लेके जा रहा है ठीक है वो बॉल लूज नहीं कर रहा है फाइन ठीक है मैं 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 रुक सकता हूँ यहाँ पर आई डोंट नीड टू कॉल द अदर पीपल टू फॉल बैक ठीक है बढ़िया तो अपनी टीम एक दूसरे का ध्यान रख रही है एक एक हर एक प्लेयर की वीकनेस को हम यहाँ पे कैपिटलाइज कर रहे हैं अगर अगर कैसी है अपने मिडफील्ड में सबको पता है कि यार कैसे क्या है यार बहुत ज़्यादा मोबाइल प्लेयर नहीं है बहुत ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं है बंदे का स्किपिंग पास चैलेंजेस नहीं रन नहीं कर सकता ही नीड्स एन ओपन स्पेस टू रन विद द बॉल कैसी है अगर पिच पे है तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वी हैव हाँ, हैव वी हैवी हाँ टू तो ग्लाइड पास द चैलेंजेस तो अगर कैसी कैसे ड्रॉप कर रहे हैं डीएम में जैसे कि सेकंड हाफ में हो रहा था वो एक और ज्यादा रोटेशन हमने देखा जो फर्स्ट हाफ में हमने बिल्कुल भी नहीं देखा था सेकंड हाफ में वी सो कैसी कमिंग डीप फ्रेंकी गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड साइड प्रोवाइडिंग अ नंबर एट वो हाफ स्पेस में लिंकअप कर रहा था पेटरी के साथ हमें दिख रहा है जावी आर, और ग्याजमिक हो रहा होगा बेंच पे बैठ के पैंट गिली हो गई होगी हराम खोस की यार और ये गलतियां हैं एरर्स है वो सब पार्ट एंड पार्सल है फुटबॉल के तो वो क्या लगता है कि बारसा पूरा टोटल रूथलेस डोमिनेशन कर देगी गोल ना खाएगी पीछे नहीं बारसा इट इज इन हिस्ट्री ऑफ हैव कंसीडेड लोड्स एंड लोड्स ऑफ गोल्स ये है। हम हम बथेरे गोल खाते आए हैं और खाते आएंगे कोई दिक्कत नहीं यार पांच है गोल मार के अगर दो गोल हम खाते इट्स नॉट टू बैड बुरा कब है जब हम टाइम इट टाइम हम पे अटैक पड़ रहा है हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं हमारा डिफेंस सेटल इन नहीं हो पा रहा है और अलग वियर्ड मूवमेंट्स कर रहा है प्लेयर्स अपने पॉकेट ऑफ स्पेस से खिंच जा रहे हैं जैसा लिवरपूल के अगेंस्ट हो रहा था जैसे जैसे नापोली ने लियोपुल के अगेंस्ट किया जो जोई जो गोमेज और वर्जुअल वाई की पार्टनरशिप थी बिकॉज वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम द फुल बैक्स तो वो ऑफन एक्सपोज हो रहे थे तो मैंने देखा पहला गोल पड़ा ही ऐसे ही वो पहली चांस एक्चुअली जो के वो पढ़ी ऐसी थी बिकॉज जोईल जो गोमेज स्टेप अप कर गए थे वो ऑफलाइड ऑफ साइड ट्रैप नहीं बना पाए तो डेट्स वोट एम सही या वी वॉन्टेड प्लेयर्स और कोई नहीं भाई या वी वॉन्टेड उसने वो शॉपिंग मॉल में गया उसने हाथ रखा पापा ये पापा वो पापा ये पापा वो और पापा ने वो सब उसको दिला दिया टूवर्ड्स द वेरियंट सब पापा ने दिला दिया अपना घर बेच के पार्ट पार्ट तोड़ के घर का बेच के उन्होंने दिलाया अब दिलाने के बाद से कहता है पापा बेटा टॉप करियो टॉप नहीं तो करना अपना बेस्ट दे चल एक फाइनल पीस ऑफ द पजल था जो कि हमारी टीम को चाहिए था दैट इज बर्नाडो सिल्वा वो फाइनल पीस ऑफ द पजल होना चाहिए था मुझे यहां तक लगता है जो अनाउंसमेंट होनी थी बड़ी सी नहीं हो पाई स्टिल वी आर फाइंडिंग आर सेल्फ मच मोर केपेबल टू प्रोग्रेस फ्रॉम डिफेंस टू अटैक वो जो डिस्टेंस है हमारे डिफेंसिव लाइन का और मिड फील्ड लाइन का वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज हमारा डिफेंस और हमारा मिडफील्ड मिल जाता है जब वी आर ट्रांजिशनिंग एनी वन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम द मिडफील्ड विल ड्रॉप इन या फ्रेंकी हो या वो बुस्केट्स हो एंड द प्लेयर्स क्लोजर टू हिम विल ऑल्सो फॉल बैक अब जैसे कि कल के मैच में क्या था कि फ्रेंकी वॉज प्लेइंग बिटवीन द टू डिफेंडर्स ठीक है यहाँ पर वी वॉज द गाय टू रिसीव द बॉल फ्रॉम द डिफेंडर्स द फर्स्ट टाइम एंड देन वो प्रोपागेट करता द बॉल फॉरवर्ड अब पेड्री ऑन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है कैसी ऑन द राइट हैंड साइड है अब यहाँ पे पिच पे क्रिएटिविटी कहाँ से आती है हमारे मिड फील्डर्स आई डोंट थिंक जो कि डिओग इज केपेबल टू क्रिएट बिकॉज डियॉन्ग बहुत दूर खेल लेते गोल से ही वॉज प्लेइंग एज ए डी एम कैसी में क्रिएटिविटी नहीं है पेड्री में जो क्रिएटिविटी है येस yes, पेड्री की क्रिएटिविटी को और निखारना है और तराशना है या भी वही कहता है कि पेड्री को थोड़ा सा बॉल कम लूज करना होगा ही ही वॉन्ट्स पेडरी टू बिकम मोर लाइक इन एस्था मतलब बॉल लूज ना करे और अपने फाइनल बॉल को और बेहतर चूज करे बिकॉज ये स्पेड्री एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो कि हमारा मेन इंस्टिगेटर इन अटैक हो बट भाई कल के मैच में उसकी ज़रूरत तक नहीं पड़ी बिकॉज वी हैव डैम्बूज तो अगर हराम खोर डेम्बेले उस हिसाब से खेलेगा जिस हिसाब से कल वो आग मूतरा था हराम खोर नदियाँ बहेंगी पिच पर बिकॉज ही अगर उसको तुम स्पेस दोगे अगर उसको तुम टाइम दोगे और अगर अगर वो हराम खोर वो वो माइंड बना के आया कि आज मुझे बेहतरीन फुटबॉल खेलना है तो वो पहलेगा और तुम कल देख रहे थे विक्टोरिया प्लेजन के प्लेयर्स इधर उधर तधर बितर बिखर रहे थे उनके बीच में से वो ड्रिबल करते हुए जा रहा है और वो फाइनल बॉल प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा से वो चूज कर रहा है तुमने वो फरहान तोरस वाला पास देखा अबे आई कुड नेवर हैव इमेजिन की डिम्बेले दे, के पास एक ऐसा विजन होगा जो कि वो फरहान तोरस को उस बॉल पे फाइंड करेगा इट्स इट्स इनक्रेडिबल और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट पांच गुलाप मार रहे हो क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है यार हैं पे मैं बादशा के प्लेयर्स बादशाह के मैच के बारे में आपको रिजल्ट नहीं दे रहा हूं आई एम पिक अबाउट द होल सेंस ऑफ द टीम मैच तो भाई एक एक्जिबिशन गेम था विक्टोरिया पिल्स को हार नहीं हार रहा था बट जिस हिसाब से हमने उनको हराया एक कंप्लीट फुटबॉल खिला के हराए एक लो ब्लॉक में बैठी हुई टीम जिसको हम क्या करते हैं ऐसे रबर बैंड की तरह से खींचते हैं हराम मेरे पास रब बैंड था यहाँ पे यस yes, मैं रख रखा था तुम लोगों को समझाने के लिए हम इस रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं ये वाइड होता है और हम क्या करते हैं इसकी जो सेकेंड वाली लेयर है इसको हम पुल डाउन करते हैं तो जब ये पुल डाउन होती है ये सेकेंड वाली लेयर इनके बीच में गैप बनता है और हम ये हम ये पर्पजली करते हैं हम इनको पहले तो स्प्रेड अपार्ट करते हैं अपने विंग से डैमबले खींचता है और लेफ्ट पे हमारे पास फॉर्टी या फोर्टी जो खींचता हुआ था और जॉडी गालबा आज के मैच में ज़्यादा बेहतर खींच पा रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्प्रेड करते हैं अब जो इनकी ये जो डिफेंस और मिडफील्ड लाइन स्प्रेड होती है जो मिडफील्ड लाइन है इनको हम क्या करते हैं थोड़ा सा हम फॉल बैक होते हैं हम हल्का सा एक स्यूडो प्रेस अपना रिलीज़ करते हैं एंड वी फॉल बैक और जब हम फॉल बैक होते हैं तो ये जो स्प्रेड होता है और ये जो स्प्रेड हुआ ना हराम इसके बीच में टैंडम मचता है अब इसके बीच में आपको गैप मिलता है किसका आप एक पास डालते हो डिम्बले को और डिम्बले अपनी ब्लिस्टरिंग एक्सप्लोजन के साथ वो भागता है इन साइड आता है इस इन इन दोनों प्लेयर्स इन दोनों लाइन्स के बीच में एंड देन ही रिलीज अ पास और देन ही गोस फॉर अ शॉट तो ये एक बेहतरीन तरीका था जिससे बार्सिलोना ने इनका लो ब्लॉक खोला बिकॉज पिल, पिल्जन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी वो बारसा को 70 75 परसेंट दे रखी थी पोजीशन का कि भाई ती ले तू रख और तू कर जो तुझे करना है बॉल का और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है बिकॉज तुम क्या करोगे If you have a proper number प्रॉपर नंबर नाइन लेट्स ए की प्लेयर लाइक लुकाकू अपलेयर लाइक लुकडियो ऊब मैयान तुम उसको डिफेंस के बीचों बीच में पिन करोगे और तुम कहोगे तू खड़ रहे वहाँ पे, मैं क्रॉस डाल रहा हूँ तुम्हें और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रॉसेस लैंड करेंगे छह फुट सात इंच दो डिफेंडर्स करो क्रॉस जरूरत नहीं पड़ी वी टी नीड टू डू दैट और ये कितनी यही बेटरमेंट में चाह रहा था एंड दैट इज वाई मैं चीख रहा था कि भाई हमें ओबाम को अपना मेन स्ट्राइकर नहीं बनाना इस साल नॉट बिकॉज आई हेट ओबाम बट बिकॉज आई नो द सिस्टम ऑफ बार्सलोना हमें कैसे खेलना है तुम लेवा की मूवमेंट देखते हो आराम को लेवान्डोस की एक, एक इतना इमाकुलेट फॉरवर्ड है भाई ब्लेसिंग है <laughs> एक ब्लेसिंग है कि लेवान्डोस की एक की, की लेवान दिन सपना आया कि नहीं भाई स्पेन चलते हैं स्पेन बार्सलोना चलते हैं जरूरत है

रोबोटोज एज अ राइट पहली स्टार्ट मिली उसको पूरे एक साल के बाद से आन ही डिड अ वेरी गुड जॉब रोबोटो इन मैचेस में बहुत बढ़िया है भाई उनको खिलाओ इस मैचेस में जाओ उसको बहुत सारे डिफेंडिंग नहीं करनी खिलाओ बिकॉज ही इज गुड कैरिंग द बॉल तुमने वो असिस्ट देखा लेवा वाला रोबोटो मिड में आके पास करते हैं लेवा को एन ही फिनिशे और वो गोल कैसे पड़ा कैसे रोबोटो ने पास किया पेटरी कंटेसेप्शन पेटरी बैक ट्रैक करके वो बॉल विन करता है एंड देन ही पासिस टू रोबोटो एंड देन रोबोटो फिनिश करते हैं अब टॉप हमारे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है फरहान के ऊपर हेट मत करो हराम करो फरान एक बहुत ही प्यारा प्लेयर है यार सीरियसली इज्जत करो फरहान की थोड़ा सा टाइम दो यहाँ पे और टाइम से बात याद आती है यार प्लीज़ फाटी की भी इज्जत कर लो यार अभी दो साल के इंजरी रख के बंदा फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे खेलने के लिए तो लेट हिम हैव हाँ सम टाइम लेट हिम हैव हाँ सम मोमेंटम गोइंग अलोंग एंड बाई फाटी हर मैच में गोल ना मारेगा बे हर मैच में नहीं खेलेगा वो ऐसा वो टेन ऑन टेन वाला वो भाई तुमको वो अलग चीज के बारे में तुम यहां पे डिमांड कर रहे हो सो so, कल का गेम फार्टी का स्लो था ठीक है आई वुड अग्री कि थोड़ा क्वाइट था बंदा फर्स्ट हाफ में बहुत नहीं दिखा मैंने यहां पे पूरे हर प्लेयर्स के नोट्स बनाए यहां पे लाइन बाई लाइन पूरे प्लेयर्स का नोट डाउन किया एंड ट्राई टू एनालाइज मैंने मैच दोबारा देखा ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से प्लेयर्स क्या सही करते थे क्या गलत कर रहे थे यहां पे पेड्री की डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड वॉज वेरी गुड उसका कॉम्बिनेशन विद लेडोस की जो बैक ही लेवांडो की उसको पास की पेड्री शुड एव फिनिश वो इंटरसेप्शन आ गया विक्टोरिया पिल्स के प्लेयर्स का तो पेडरी इज वॉन्टिंग टू अराइव इन दोज एरियाज मोर एंड मोर हमने पिछले मैचेस में भी देखा था जो डेम्बले का क्रॉस पेड्री का अराइवल इन द बॉक्स एंड देन अ गोल तो तो हम लो ब्लॉक के साथ कर क्या रहे हैं हम तो पहले उनको स्प्रेड कर रहे हैं उनके बीच में गैप्स बना रहे हैं और डेम्बले जब वो घुसता है राइट पे और वो क्विक फ्लैशेज में कटबैक्स मारता है ऐसे पैरल वो एकदम लैटरल एकदम बॉक्स में ऐसे क्रॉसेज डालता है लूपिंग क्रॉसेज नहीं वो वो कट टाइप से अंदर कट कट डालता हुआ है ताकि हमारे जो नंबर एट्स है कैसी है और पेड्री वो दे कैन लैश ऑन टू देम और एल्स ये अगर लिवांडोस पुल्ड पार्ट है तो मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है भाई बढ़िया लग रहा है मुझे तो कुंडी अगेन वेरी वेरी गुड असिस्ट देते हैं कैसी को फॉर हिज फर्स्ट गोल इन चापस लीग फॉर बार्सलोना हेडेड खोपड़े से और किसी ने गोल स्कोर भी किया टर्स्ट अगेन खड़े थे पूरे मैच में कुछ ऐसा करने को था नहीं एक दो बार था जहां बारसा का डिफेंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाई यहाँ पे विक्टोरिया प्रेजेंट कोई और टीम होती वुड हैव रेडी कैपिटलाइज ऑन द ऑन द स्पेसेस दैट वी आर लिविंग बट देन इस तरह के मैचेस में आपको मजे करने होते इस तरह के मैचेस में आप जाओगे आप पेलोगे अपोजिशन को बिकॉज यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लिंक फ्लुइड फुटबॉल एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और एक और बात है आज के मैच से देख के यही मुझे पता चला कि भाई फ्रेंकी को सिंगल पेवेट पर मत खिलाओ मतलब इस इस मैच में खिला सकते हो इन मैचेस में जो थोड़े से वीकर टीम के अगेंस्ट है जहाँ पे वो बहुत प्रेस नहीं कर रहे हैं फ्रेंकी को वो वियर्ड सिन में नहीं डालेंगे तुम उसको खिलाओ सिंट सिंटल पेविट उसको सिंगल पेविट बट देन हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट डू नॉट डेयर प्ले हिम एज अ सिंगल सिंगल पेविट और एक और बात है यहाँ पर मिसकनसेप्शन है जो लोगों का कि फ्रेंकी और केसी एक डबल पेविट में खेलेंगे तो बार सार डबल पेविट में ना खेल रही है और केसीए को भी सिंगल पेविट में मत खिलाना सच बता रहा हूँ केसी कैन नॉट प्ले एज ए डीम नाइदर कैन फ्रंकी डियंग दोनों नहीं कर सकते वो रोल और अगर हमारी टीम कहीं पे अगर लैक करती है तो इट इज़ दैट मिडीफील्ड वाला पार्ट बिकॉज पैनिक इज ऑल्सो गॉन देर इज़ नो बड़ी फॉर अस टू प्ले इन दैट लोन डी एम वाला रोल अपार्ट फ्रॉम बुस्केट्स मिक्स में हम खिला सकते हैं येस yes, हम यहाँ पे फ्रेंकी को खिला सकते हैं एरिक गारशा का नाम काफी लोग लेते हैं कि एरिक गार्शा को ट्राई करना चाहिए बाबा सब ट्राई कर लिया है जावी ने ट्राई कर लिया ट्रेनिंग ग्राउंड पर उसने एरिक गार्शा को भी ट्राई कर लिया बट ही इज़ नॉट गोना यूज़ इट बिकॉज ही नोज मच मोर देन आस तो

जॉड अल्बा का भी यूज हम देख रहे हैं यहाँ पर बट दें द बेस्ट थिंग इज दट वी हैव गॉट अ गुड गुड स्क्वाड डेपथ इन आर टीम और वी हैव टू डू इज बी पेशेंट हमारी टीम अच्छी बिल्ड हो रही है नॉट सोइंग हम जाकर कुछ बहुत ज्यादा ही उखाड़ लेंगे लेट्स टेक एवरी गेम लेट्स स्किल एवरी टीम एंड धीरे धीरे मूव करते हैं ट्राई टू फाइंड आउट क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है पिछले मैच में बहुत ज़्यादा गलत तो ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सामने टीम इतना ज्यादा अटैक नहीं की दे वो अ फ्यू मोमेंट जहाँ पे द गु हाफ स्कोर दे चांसेस एक दो बार थी जहाँ पे वी फेल टू ट्रैक बैक फिर इनकी ट्रैक बैक नहीं कर पाए वो बंदे को चांस मिला था कुड ऑफ स्कोर द सेकेंड गोल बॉल ऊपर चल गई पोल के और जॉर्डअल्बा की एक मिस्टेक थी जहां पे वी कंसीडर द गोल थ्रू दैट हेडर एंड एवरीथिंग बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी गुड जब तक लेवान डोस है एक ब्लेसिंग है हमारे साथ हमारी टीम में और डिम्बेले जब तक निकाह के बाद से तो बंदा बदल गया है मतलब शादी के बाद ये होता है भाई मतलब तुम फोकस दो आते हो दो यार क्या, क्या क्या करती है मोहतरमा क्या कर रही है भाई तुम्हारे साथ <laughs> हुफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है भाई चेंज ऑफ डायरेक्शन रियलिटी में उसके लाइफ में भी है और पिच पे भी है वो जो इधर उधर शिफ्ट करता है ना आराम को ऐसे 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 समझ में नहीं आता किधर जाने वाला है वो तो मज़ा आ गया मज़ा आ गया हुफ देखते हैं कहाँ तक जाती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक करियो सब्सक्राइब कर दो नया चैनल है आल सी यू गाइस पीस आउट यार एंड दिस स्केल बारसा